मध्य प्रदेश के दतिया के कृषि उपज मंडी में बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य शुरू होते ही स्थानीय नागरिक व महिलाएं विरोध में खड़ी हो गई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि बाउंड्री वॉल के निर्माण से कई घरों का रास्ता बंद हो जाएगा। 40 साल से यहां निवास कर रहे स्थानीय लोग इस रास्ते से आवागमन करते हैं। प्रदर्शन कर रहे नागरिकों और महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि पहले वो उनके आने जाने के लिए रास्ता दे, इसके बाद बाउंड्री वॉल का निर्माण कराए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता अशोक दांगी और भाजपा नेता कालीचरण कुशवाहा भी पहुंचे। देखो मंडी में जो यहाँ पे जो परिवार रह रहे हैं, लगभग 500 परिवार है मंडी के पीछे, उनके पास रास्ता कहीं है नहीं। पीछे करण सागर है, वो क्या पानी में से जाएंगे? पहले प्रशासन इनकी रास्ता करे, उसके बाद मंडी के गेट बंद करे। आपको अगर बंद करना भी है, जी हमारी अभी मंडी सेक्रेटरी से बात हुई तो वो कह रहे हैं हम सुरक्षा की दृष्टि से हम बंद कर रहे हैं। आपके बाहर के गेट सारे खुले हैं, वो जहाँ बस्ती है वो गेट बंद कर रहे हैं। आप पहले बाहर के बंद करो, उसके बाद आप यहाँ अंदर आओ। आपके ये इस साइड का बंद कर दो, पीछे उस साइड का बंद कर दो कि जहाँ जहाँ से लोग ट्रैक्टर निकाल ले जाते हैं, चोरी हो रही है, उस पर कोई अंकुश लगाने की बात नहीं करते। प्रशासन से अभी बात हुई क्या इस मामले में? मंडी प्रशासन चोरी करवाता है किसानों की, लुटाई करवाता है, उसकी कोई बात नहीं है। जो गरीब मजदूर लोगों को, जिसमें ये जो बस्ती है पीछे की, इनमें से 50% से ज़्यादा लोग इसी मंडी में उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं का मजदूरी करते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। कलेक्टर साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं हम रुकवा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग घूम बैठे हैं। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे प्रशासन को सीरियस लेना चाहिए। ये गेट बंद होगा तो यहाँ कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है, लेकिन प्रशासन लट ले के आ गए हैं कि हम तो दम जबरदस्ती बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इन लोगों को पहले रास्ता दे, उसके बाद गेट बंद करें। चर्चा के दौरान ये निर्णय रहा कि जो जनता जो रह रही है, जिन लोगों के मकान पूर्व से है, अपन ने प्रशासन के लोगों से बात की है कि इनको या तो वैकल्पिक मार्ग दिया जाए, और जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया जाता है इस गेट को बंद ना किया जाए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने का कहा है, तो हम लोग जा रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। दतिया से अनिल रजक की ये रिपोर्ट।